नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिशा परमार के लुक की चर्चा की जा रही है। जी हाँ, गुलाबी और नारंगी रंग की बनारसी साड़ी, गले में सोने का हार, मंगलसूत्र, बाह्या मांग में सिंदूर और नाक में महाराष्ट्र रंग। आज दिशा परमार को किसी अंदाज में दिखी कि उनमें पूरी मराठी बहू की झलक दिखाई दे रही थी। मौका था उनकी शादी के बाद घर में होली पूजा का, जिसमें दिशा परमार के साथ राहुल वैद्या भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। राहुल वैद्या ने पूजा में सिंपल कुर्ता पजामा पहना था। दोनों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और दिशा के लुक को काफी पसंद भी किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त का आज जन्मदिन है। जी हाँ, मान्यता दत्त पूरे 43 साल की हो गई है। वो संजय दत्त की 30वीं पत्नी है और उन्होंने संजय दत्त से साल 2008 में शादी की थी। ये शादी काफी चर्चा में भी रही थी क्योंकि दोनों ने इस शादी को काफी ही निजी तरीके से गोवा में की थी। बता दें, मान्यता संजय दत्त से 19 साल छोटी भी है। वहीं शादी के 2 साल बाद ही दोनों के जुड़ा बच्चे भी हो गए थे। वहीं मान्यता की संजय दत्त के साथ दूसरी शादी थी। उन्होंने साल 2005 में मिराज और रहमान नाथ के शख्स से शादी की थी। बता दें, संजय दत्त के साथ शादी से पहले मान्यता ने बी ग्रेड फिल्म लवर्स लाइक अस के कम में भी काम किया था। इसमें वो निमित वैष्णव के अपोजिट नजर आई थी। वहीं साल 2008 में मान्यता ने कमाल आर खान की फिल्म बिग स्टोरी में भी काम किया था। इससे पहले उन्होंने साल 2003 में आई गंगा जल में भी आइटम नंबर किया था। बता दें, प्रकाश झा ने उन्हें मान्यता नाम दिया था और मान्यता का असली नाम दिलराज शेख है। वही मान्यता ने फिल्म में सारा खान के नाम से एंट्री की थी। फिल्मों में मान्यता दत्त का अध्याय कुछ खास नहीं रहा। एक बार संजय दत्त ने मान्यता दत्त की फिल्म के राइट 20 लाख रुपए में खरीदे थे और तभी उनकी पहली मुलाकात संजय दत्त से हुई थी। इसी फिल्म के सिलसिले में संजय और मान्यता कई बार मिले और धीरे धीरे मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और फिर क्या था, फिर दोनों को प्यार हो गया। जी हाँ, बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। मान्यता संजय का काफी ध्यान भी रखती है और दोनों की केमिस्ट्री बेहद ही बेहतरीन है। चश्मा टेलीविजन पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सीरियल्स में से एक है। वहीं शो में उनमें से सोनी की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर बंसीवाला पिछले कुछ समय से अपनी खराब तबियत की वजह से शो में नजर नहीं आ रही है, मगर अब एक्ट्रेस शो में वापस आ रही है। जी हाँ, रोशन भावी यानी कि जेनिफर करीब 3 महीने से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से गायब थी। उनके बारे में अफवाहें थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसी वजह से जेनिफर ने शो छोड़ दिया है। हालांकि अब एक्ट्रेस ने सभी अफवाहों को झूठ बताया है और कहा कि वो जल्द ही शो में नजर नहीं आएंगी। दरअसल हाल ही में जेनिफर बंसीवाला ने तारक मेहता के सेट से वापसी की, जहां उन्होंने खुलासा किया कि वो वापस आकर खुश है और अब उसकी सेहत भी उनकी काफी ठीक ही है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में जेनिफर ने कहा था कि मैं सभी से मिलकर काफी खुश हूँ और सेट पर सभी कलाकारों ने मेरा गर्मजोशी से वेलकम भी किया क्योंकि मैं उनसे 3.5 महीने से इस ज्यादा वक्त के बाद मिल रही थी। वो सभी मुझसे सवाल पूछते रहे कि क्या मैं अब ठीक हूँ और मेरे पैर में जो दर्द है उसके बारे में हम सेट पर बहुत मस्ती करते हैं। मुझे फिर सेट पर आकर सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन ने अपनी रिलीज के 26 साल पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, 1995 में रिलीज हुई ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली
तीस पूरी जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। वहीं सफर के दर्शक की एक्ट्रेस राखी ने फिल्म में करण अर्जुन की यानी कि सलमान शाहरुख की माँ का किरदार दिखाया था। आपको बता दें कि राखी अब 73 साल की हो गई है और लंबे समय से फिल्मों से दूर गुमनाम जिंदगी गुजार रही है। वैसे राखी ने अपने वक्त में बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और इतना ही नहीं उन्होंने कई दिग्गज स्टार जैसे कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र, शशि कपूर के साथ भी स्क्रीन शेयर की थी। राखी मुंबई से दूर अब अपने फार्म हाउस में गुमनाम जिंदगी गुजार रही है। वो फार्म हाउस पर खेती भी करती है और गाय भैंसों को चारा भी खिलाती है। कभी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक राखी को आज पहचान पाना भी मुश्किल है। सभी उनके बेहद लंबे बाल हुआ करते थे लेकिन आज उनका लुक एकदम बदल चुका है। बिग बॉस 13 फेम और पंजाब इंडस्ट्री की जाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल रियलिटी शो में भाग लेने के बाद काफी चर्चा में आ गई है। जी हाँ, शो में शहनाज अपने बोलने के अंदाज के साथ एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला तक नजदीकियों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। वही शो के बाद भी दोनों ने कई प्रोजेक्ट में एक साथ काम किया था और आगे भी कर रहे हैं। साथ ही एक्टिंग के अलावा शहनाज सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आती है और अक्सर अपने फैंस के साथ आए दिन दिलचस्प पोस्ट भी शेयर कर देती है। और हाल ही में शहनाज एक बार फिर अपने फोटोशूट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, यह फोटोशूट उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटी फोटोग्राफर धबू रत्नानी के साल 2021 के कैलेंडर के लिए कराया है। एक्ट्रेस शहनाज गिल ने हाल ही में धबू रत्नानी के लिए डेब्यू भी किया है। साथ ही एक्ट्रेस के फोटो शूट की कई खूबसूरत तस्वीरें जबू ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इन तस्वीरों में शहनाज और डार्क लुक में दिख रही है और उन्होंने डीप नेक का ब्लैक ब्लेजर भी कैरी किया हुआ है। वहीं अगर शहनाज के हेयर स्टाइल की बात की जाए तो उन्हें अपने बालों को मिडल पॉकेट हेयर स्टाइल लुक में देखा गया है। साथ ही उनका पूरा मेकअप स्मोकी है जो उनके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। बता दें कि पहली बार शहनाज ने तबू रत्नानी के कैलेंडर के लिए शूट किया है। साथ ही शहनाज गिल की फोटो शूट की तस्वीरें भी चर्चा में बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में खबर आई है कि सरदार शुक्ला और शहनाज गिल की एक शॉर्ट फिल्म भी आने वाली है। वूट और बिग बॉस 13 में दोनों की जर्नी पर एक घंटे की फिल्म बनाकर रिलीज करने वाला है। वही ये भी खबर है कि सिद्धार्थ और शहनाज इस वर्जन को पोस्ट भी करेंगे और वूट ने ट्वीट किया है कि हाय कसम लगे हम तो बहुत एक्साइटेड है आपके साथ धमाकेदार खबर शेयर करने के लिए। तो हम लेकर आए हैं कि आप गेस कर सकते हैं कि इन दोनों के साथ क्या करने वाले हैं। हम जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं और इस खबर के सामने आते ही फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कल पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से ईद मनाई गई। इस मौके पर कल सितारों ने अपने फैंस को ईद की बधाई दी। वहीं बॉलीवुड के नवाब खानदान की बेटी भी इस दिन को बड़े ही खास तरीके से सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, बता दें कि सारा ने सोशल मीडिया पर ईद की बधाई देते हुए फोटो शेयर की थी जिसमें वो अपने छोटे भाई जय अली खान की गोद में लिए नजर आ रही है। सारा के फोटो में उनके साथ पापा सैफ अली खान और उनके दोनों भाई इब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फोटो में फैंस का ध्यान जय पर भी जा रहा है। बता दें कि इस फोटो में सारा ने जय अली खान का फेस नहीं दिखाया है, उनके चेहरे पर एक हैप्पी इमोजी लगा दी है। साथ ही सारा की ये फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। फोटो में सारा एक फ्लोरल नाइट सूट पहने दिखाई दे रही है। साथ ही सारा के इस फोटो पर उनके फैंस जमकर
diversos. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन सारी लड़कियों से कि आप प्लीज बाहर आ